बेटा हमने कर लिया था कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स एंड हाउ द ग्रोथ रेगुलेटर्स वर डिस्कवर्ड, व्हाट वर द रॉ मटेरियल्स ऑफ द ग्रोथ हॉर्मोन्स एंड हाउ दे वर डिस्कवर्ड, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ पीजीआर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सबसे पहले आ जाते हैं हम ऑक्सिन्स। सो ऑक्सिन्स जो है, दीज आर फर्स्ट पॉइंट ग्रोथ प्रमोटर्स, आई हैव टोल्ड यू। सेकेंड पॉइंट है, दीज वर डिस्कवर्ड बाय डार्विन एंड नेम्ड बाय वेंट, हम कर चुके हैं। दीज आर इंडोल डेरिवेटिव्स डिराइव्ड फ्रॉम, ये मैं नया बात बता रही हूँ, डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में इंडोल रिंग आता है, उससे ये बनते हैं, राइट। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन कोलियोपटाइल ऑफ यू नो कैनेरी ग्रास, वेंट वर्कड ऑन ओट। ओट क्या है? एवीना कोलियोपटाइल। ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कि इसको सबसे पहले कहां पे कैसे आइसोलेट हुआ था। जो ऑक्सिन्स है, याद रखना है, ऑक्सिन्स आर फॉर्म्ड बाय डिग्रेडेशन और यू कैन से, अभी ये वाला पॉइंट रहने दो, ये हम बाद में का ये छोड़ दो। हम ये कहते हैं फर्स्ट ऑक्सिन टू बी डिस्कवर्ड कौन सा था? IAA। IAA क्या है? इसका फुल नेम है इंडोल एसिटिक एसिड। इट इज इंडोल एसिटिक एसिड। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ठीक है, हमारे में एज सच IAA का कोई फंक्शन नहीं है, बट क्या है, यूरिन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है, राइट। सो इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, फाउंड इन IAA, found in all the plants. Other
नेचुरल ऑक्सिन्स आर, और कौन से नेचुरल ऑक्सिन्स है, दैट इज इंडोल ब्यूटेरिक एसिड. एक तो IAA है, अनदर इज इंडोल ब्यूटेरिक एसिड. उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन्स. दीज आर द केमिकल्स विच आर artificially synthesized. ठीक है जी, these are artificially synthesized and function like oxygen in plants. अगर हम प्लांट्स पे स्प्रे करें इनको या प्लांट्स को सप्लाई करें तो ये दे विल फंक्शन एज ऑक्सीजन. फॉर एग्जांपल NAA फुल फॉर्म है इसकी नेप्थलीन एसिटिक एसिड. अनदर इज 2,4-D. इसका क्या मतलब है, 2,4-diachloro फिनोक्सी एसिडिक एसिड. मतलब जो फिनोक्सी एसिडिक एसिड है उसके सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन लगे हुए. अनदर इज 2,4-5-P. 2,4-5 triachlorophenoxyacetic acid. These are, you know, synthetic oxins. उसके बाद एक आ जाते हैं बेटा antioxins. Antioxins क्या है, which if supplied to plants neutralize the effect of oxins, that is antioxins. Example है टीबा. टीबा की फुल फॉर्म है ट्राया आयोडो बेंजोइक एसिड. ये याद तो करने पड़ेंगे, ट्राया आयोडो बेंजोइक एसिड. ठीक है जी, से दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन. है ना, हर चीज के क्या फायदे नुकसान ये तो बात की बात है, बट ये केमिकल्स. देन प्लांट्स में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आर synthesized in root apex and shoot apex. उनकी टिप्स पे बनते हैं. They are transported to सब एपिकल zones. मैंने आपको बताया था कि अगर ये टिप है तो दिस इज सब एपिकल, एपेक्स से नीचे जो है, ठीक है, या एपेक्स के साथ में जो है, दैट इज सब एपिकल. तो सब एपिकल zones बाय डिफ्यूजन, राइट. एंड
अब आ जाते हैं इनके फंक्शंस क्या है। फंक्शंस में जल्दी से आपको सबसे पहले इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है सेल इलोंगेशन, सेकेंड आ जाते हैं बेटा डिवीजन इन कैम्बियम, थर्ड है रूट इनिशिएशन हार्मोन, एपिकल डोमिनेंस, प्रमोट ऑटोट्रॉपिज्म, एक्ट एज वीडी साइट, देन प्रमोट जाइलम डिफरेंशिएशन, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, प्रमोट फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स, प्रिवेंशन ऑफ अर्ली लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप। प्रमोट एब्सिशन ऑफ मैच्योर लीव्स एंड राइप फ्रूट्स, यंग लीव्स को या इमैच्योर फ्रूट्स को टूटने नहीं देता, और साथ में क्या यूज करता है, बट जब लीव्स मैच्योर हो जाए बूढ़े हो जाए और फ्रूट्स राइप हो जाए देन इट कॉज देयर एब्सिशन, राइट। ठीक है, तो पहले आप ये लिखो और फिर हम आगे चलते हैं। So we have to talk about these functions. Cell elongation in plants. In subapical zone. जैसे ये बताया एपेक्स में सिंथेसाइज हुए जहां पे नए नए सेल्स बनते हैं, सब एपिकल जोन एपेक्स के साथ में यहाँ पे सेल्स इलोंगेट होते हैं। सो दिस इज सेल वॉल, ऑक्सिन्स ने क्या किया, auxins causes loosening of
सेल वॉल, माइक्रोफिल्स। जैसे आप यहाँ पे सर्कल बना के फाइव फ्रेंड्स बैठे हो, यहां से दो फ्रेंड्स और आ गए, ठीक है। तो आप क्या करते हो इस सर्कल में आना है? आप ये तो नहीं कहते भी हमारे पीछे बैठ जाओ। तो आप क्या करते हो कि आप खुले खुले हो जाते हो, ताकि आपके ये दो फ्रेंड्स जो है वो एडजस्ट हो जाए। ऐसा ही करते हो ना, ठीक है ना। तो इसी तरह से इट कॉजेस लूजनिंग ऑफ सेल वॉल माइक्रोफिब्रिल्स सो दैट न्यू सेल वॉल मटीरियल gets deposited at the loosened places, at the loosened spaces, right? And this process is called as into susception. This is called as into susception. मतलब उसी जो सेल वॉल है उसी के एग्जिस्टिंग सेल वॉल को ही बड़ा कर, ठीक है। सो दिस इज सेल इलोंगेशन इन सब एपिकल जोन। इट इज प्रोमोटेड बाय यू नो ऑक्सिन्स एंड दिस हेल्प्स इन ग्रो। सेकेंड है ये तो चलो auxins increases rate of division in cambium cells. ये आपको cambium क्या है this you know. थर्ड आ जाता है बेटा rooting hormone. रूटिंग हार्मोन का क्या मतलब है? स्टेम कटिंग्स ऑफ प्लांट सच एज, आपको पता है कि रोज की कलमे लगती है स्टेम कटिंग्स, रोज के बीज नहीं लगाते हैं, छोटी छोटी कलमे लगाते हैं, ग्रेप्स की कलमे लगाते हैं हम, जो बाड़ लगती है क्लीरोडेंड्रॉन उसकी छोटी छोटी कलमे लगाते हैं, यस और नो, ठीक है ना। मतलब वो कलमे क्या है? स्टेम कटिंग्स है, स्टेम कटिंग्स ऑफ प्लांट्स सच एज रोज, ग्रेप्स, क्लीरोडेंड्रॉन, हेज जो होती है एटसेट्रा, और भी जिसकी भी स्टेम कटिंग्स होती है आर यू नो ट्रीटेड विद ऑक्सिन सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, इन सब की स्टेम कटिंग्स लेते हैं, बीकर में ऑक्सिन का सॉल्यूशन लेते हैं और उसको जो स्टेम कटिंग्स है उसकी एक एंड जो है वो हम बीकर में डाल देते हैं और उसको एक दिन दो दिन वो हॉर्टिकल्चर वाले बताएंगे कि कितनी देर उसमें रखना है, ठीक है। आर ट्रीटेड विद ऑक्सिन सॉल्यूशन एंड the treated ends are then put in the soil. ठीक है, तो auxins क्या करते हैं? auxins promote root formation in the
ends of stem cuttings in soil. आप कहेंगे कि अगर ना ऑक्सीजन करें रूटिंग तो तब भी हो जाए, हो तो जाएगी बेटा, बट हो सकता है उसकी रूटिंग के लिए 15 दिन 20 दिन महीना लग जाए, बट अगर हमने ऑक्सीजन से ट्रीट किया होगा तो जल्दी रूटिंग। अब हम कहेंगे कि क्या ऑक्सीजन के बगैर रूटिंग नहीं होती, हम कहेंगे नहीं ऑक्सीजन के बगैर रूटिंग नहीं होती, फिर जो हमने ट्रीट नहीं किया ऐसे ही लगा के उसमें रूटिंग, तो उसमें बेटा इंटरनल ऑक्सीजन थी राइट, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर गई नीचे वाले एंड पे और वहां पे रूटिंग हो गई, इज इट राइट? ठीक है, तो इंटरनल ऑक्सीजन, बट क्योंकि इंटरनल ऑक्सीजन थोड़े अमाउंट में है इसलिए इट विल टेक टाइम फॉर रूटिंग, ठीक है, व्हेन द स्टेम कटिंग्स आर नॉट ट्रीटेड विद एक्सटर्नल ऑक्सीजन, बट व्हेन दे आर ट्रीटेड आर्टिफिशियली विद ऑक्सीजन देन द रूटिंग विल कम क्विकली या रूट्स विल इनिशिएट क्विकली, इज इट ओके? ठीक है, रूटिंग के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही है, ठीक है, बट इंटरनल ऑक्सीजन कम होते हैं इसलिए टाइम लगता है, तो हम एक्सटर्नल ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा एपिकल डोमिनेंस, हम बेटा ये प्लांट है, दिस इज एपिकल बर्ड, यहाँ पे लेटरल बर्ड्स है बट ग्रो नहीं कर रही, ये प्लांट लंबा होता जा रहा है होता जा रहा है, एपिकल बर्ड है, यहाँ पे लेटरल बर्ड्स भी है। अब हमने क्या किया, इस एपिकल बर्ड को रिमूव कर दिया, और जैसे ही हमने इसको रिमूव किया तो हमने क्या देखा कि ये क्या थी, ये थी लेटरल बर्ड्स, बट वी सपोज दैट दीज लेटरल बर्ड्स दे जर्मिनेटेड एंड फॉर्म्ड द ब्रांचेस, इज इट ओके? So what is apical dominance? Ki in the presence of apical bud, lateral buds do not grow much, hum keh sakte hain. There is inhibition of the lateral buds to grow. Hoti to hai, but bahut kam. Isliye, jin plants ki hume bahut sari lateral branches chahiye, jin plants ki humne bushy banana hai, hai na, jaise hum hedge hai. Hedge lagate hai na, apne gardens mein ya kheton mein bhi lagate hai. तो हम क्या करते हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको ऊपर से काटते रहते, ये नहीं कि उसकी शेप बड़ी अच्छी बन जाएगी कि देखने में सुंदर, नहीं वो साइंटिफिकली भी जरूरी है, क्योंकि हेज एक सीधे सीधे ऐसे प्लांट्स खड़े रहे तो हेज तो बने के लिए, हेज हम किस लिए बनाते हैं, ताकि कोई उसके अंदर ना आ सके, कोई जानवर अंदर ना आ सके, इसीलिए बनाते हैं ना, तो वो क्या होती है हम ऊपर से काटते रहते हैं ताकि बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस ग्रो करे, वो बुशी सी बन जाए, ताकि वो आपस की ब्रांचेस जो है वो नेटवर्क बना ले और उसके अंदर कोई ना आ सके। इसी तरह जो ट्री के गार्डन्स है, ट्री प्लांटेशंस है, नॉट ट्री इट इज टी, चाय के जो चाय के बगान है वहां पे रेगुलर उसके ऊपर से कटिंग करते रहते हैं जब तक उसके पत्ते मैच्योर नहीं होते, क्यों, क्योंकि हमें चाय का क्या चाहिए, हमें पत्ते चाहिए, उसके सीड्स नहीं चाहिए हमें, हमें उसके लीव्स चाहिए, लीव्स कब होंगे ज्यादा, जब बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, और ब्रांचेस कब होंगी ज्यादा, जब हम उसकी लेटरल बर्ड्स रिमूव करते हैं, आप कहोगे एक बार लेटरल बर्ड सॉरी एपिकल बर्ड रिमूव करते जाएंगे, आप कहोगे एक बार हमने ऊपर से काट दिया बस बहुत है लेटरल ब्रांचेस लग गई, तो बेटा हर लेटरल ब्रांच की भी एपिकल बर्ड है और यहाँ पे लेटरल बर्ड्स भी, ठीक है, तो हमने उन ब्रांचेस की भी एपिकल बर्ड रिमूव करनी है ताकि उनकी आगे ब्रांचेस रिमूव हो, इसलिए हमें रेगुलर जो है उनकी कटिंग करते रहनी पड़ती है टू रिमूव द एपिकल डोमिनेंस। सो व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ
एथिकल बर्ड्स लेटरल बर्ड्स डू नॉट ग्रो एंड दस नो या फ्यू ब्रांचेस. ठीक है, पहले आप यहां तक लिख लो, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी. So write down, to obtain the bushy growth of the plants, to obtain the bushy growth of the plants, comma, regular cutting of shoot tips, regular cutting of shoot tips is required so that more number of lateral buds या axillary buds, एक ही बात है, lateral और axillary buds gets activated, more number of lateral or axillary buds get activated and form many branches. Removal of shoot tips is also called as decapitation. Removal of shoot tips is also called as decapitation. It is widely applied in tea plantations, TEA, tea plantations and hedge making. नेक्स्ट आ जाता है प्रमोट फोटोट्रॉपिज्म. ये मैंने आपको समझाया था पहले भी, बट यहाँ पे सिंपल हम करेंगे. फोटोट्रॉपिज्म बेंडिंग ऑफ शू टुवर्ड्स लाइट is called as positive phototropism. It is due to differential means different hai, kisi jagah zyada kisi jagah kam, due to differential distribution of auxins. ये हम कर चुके हैं जब हमने auxins की discovery की थी, इसलिए दोबारा से repeat नहीं करेंगे. Next है excess of auxins. थोड़े amount में तो ये promotory है, but excess of auxins inhibits photolysis of water in dicot plants. And thus kills them. But does not has
any effect on monocrops? मोनोकॉर्ड्स पे इफेक्ट नहीं है. मोनोकॉर्ड्स या हम क्योंकि मेजर मोनोकॉर्ड्स कौन से है, ग्रासेस है, उनपे कोई इफेक्ट नहीं. देयरफोर इन गोल्फ ग्राउंड्स जहां पे ग्रासेस ज्यादा है, द स्मॉल ट्रीज और डैकॉर्ड्स, पीपल लग गया या कोई और डैकॉर्ड प्लांट आ गया, आर रिमूव बाय स्प्रेइंग ऑक्सीजन. बेटा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी है ना, तो वियतनाम के जंगलों में बहुत ज्यादा जो है ना वियतनामीज आर्मी बहुत बड़ी, तो अमेरिका ने क्या किया कि जंगल थे, बड़े बड़े ट्रीज थे जिनमें वो छुपे पड़े. अब उन सैनिकों को कैसे निकाले, है ना, अमेरिका थोड़ा सा कंट्री ऐसा, तो उसने या वॉर में सब कुछ चलता है ये कहने हम, तो अमेरिका ने क्या किया कि ऑक्सीजन्स के बड़े बड़े ड्रम्स लिए और एयर स्प्रे करवा दिए ऊपर से, हवाई जहाज से वियतनाम के जो जंगल थे, फॉरेस्ट थे, उन पे स्प्रे करा दिया, जिससे लार्ज अमाउंट में, जिससे क्या हुआ कि जो डायकॉट वो बहुत जल्दी मर जाते और डायकॉट प्लांट जो है वो एकदम जो है वो मर गए, जिससे क्या हुए कि वो जो सोल्जर्स थे वो एक्सपोज हो गए और फिर उन्होंने वहां पे बमबारी की होगी, क्या किया होगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. तो जो वो ऑक्सीजन्स थे ना वो ड्रम्स में स्टोर थे, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल एरिया था, उसमें इतनी सारी ऑक्सीजन स्प्रे करनी थी, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन जो थे कुछ ड्रम्स में स्टोर थे जिसके ऊपर ऑरेंज स्ट्राइप्स थी, ठीक है, और इसलिए उसका नाम रख दिया था एजेंट ऑरेंज टी. सो एजेंट ऑरेंज टी ये क्या है, मिक्सचर ऑफ 2,4-D एंड 2,4-5-T यूज्ड एज वीडिसाइड्स बाय अमेरिकन्स टू एक्सपोज soldiers in Vietnam forests. ठीक है, तो ये वीडिसाइड्स एक्ट किया था, इसको ऑरेंज एजेंट या एजेंट ऑरेंज टी या ऑरेंज एजेंट टी नाम क्यों दिया गया, वो इसलिए दिया गया क्योंकि दीज आर स्टोर्ड इन लार्ज कंटेनर्स हैविंग ऑरेंज स्ट्राइप, ठीक है ना, तो वो तो मतलब एक ऑर्डर देते हैं एजेंट ऑरेंज को बुलाया जाए, वो पूरे के पूरे एजेंट ऑरेंज मतलब वो ड्रम्स आ गए, एजेंट ऑरेंज स्प्रे है ना, या अटैक एजेंट ऑरेंज, तो वो सारे के सारे ड्रम्स से स्प्रे, ठीक है, तो इस तरह से काम किया, राइट. चलिए पहले ये कर लो, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, ये वाला जो है प्रमोट जाइलम डिफरेंशिएशन, ये ठीक है. नेक्स्ट है इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, नेक्स्ट इज इंड्यूस पार्थिनोकार्पी. तो पहली बात तो ये लिखो पार्थिनोकार्पी क्या है, मैंने वैसे बताया हुआ है आपको मॉर्फोलॉजी में, बट अगेन पार्थिनोकार्पी इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स या फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल इन टोमेटोज
such fruits will be seedless fruits. Such fruits will be seedless fruits. Next, aa jaiye. Auxins promote flowering, such as in pineapples. Auxins promote flowering, that is formation of more number of flowers. Formation of more number of flowers. ठीक है जी. एग्जाम्पल है पाइन एप्पल्स. ठीक है, ये देखिए, मैं ना एक आपसे, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम, ये देखिए, ये प्लांट है जिसकी ये एपिकल बड है. इस स्टेम पे लीव्स तो लग रहे हैं बट ब्रांचेस नहीं अराइज है. डू यू गेट मी? ये एक्सिलरी बर्ड्स अगर आप देख रहे हो, ये लीव के एक्सिल में बर्ड्स है. ठीक है, तो मेन स्टेम पे तो क्या है, दैट इज देयर आर प्रेजेंट लीव्स, बट एक्सिलरी बर्ड्स डोंट जर्मिनेट टू फॉर्म ब्रांचेस. तो जब एपिकल बर्ड रिमूव करती, यहाँ पे रिमूव करती, तो आप क्या देख रहे हो कि लीव के एक्सिल में से ब्रांच निकल रही है, क्योंकि एक्सिलरी बर्ड एक्टिव. इज इट ओके? ठीक है ना. सो दिस इज हाउ the apical dominance occurs. Right. Next हम आ जाते हैं बेटा gibberellins. Next is gibberellins. First point है growth promoters. First is growth promoters. Second है more than 100 GA. GA means gibberellic acid, are reported from plants as well as fungi. आपको पता है सबसे पहले gibberellin किस में से मिला था? Fungi में से ही मिला था. इसलिए 100 से ज्यादा टाइप के gibberellins है जो कहां से आइसोलेट किए गए? Fungi एंड प्लांट्स में से. नेक्स्ट है, these are named as GA1, GA2, GA3, etc. इस तरह से कोई स्पेसिफिक IA, IBA ऐसे नाम नहीं है. GA1, 2, 3 इसी तरह रख. These are named as GA1, GA2, GA3. Next point है, the first gibberellic acid to be discovered was, the first gibberellic acid to be discovered was GA3, जो फंगस में से आइसोलेट किया था. कौन सा था? GA3. And it is most studied gibberellin. It is most studied जिब्रिल. सबसे ज्यादा इसी के बारे में पढ़ा गया. नेक्स्ट पॉइंट है, जिब्रेलिक एसिड है तो इसका मतलब दीज आर एसिडिक इन नेचर. दीज आर एसिडिक इन नेचर. नेक्स्ट पॉइंट है, पहले भी आपको बताया है, these are terpene derivatives, terpenes, terpenes derivatives. ठीक है जी. तो अब हम जो है इसके हम फंक्शंस कर लें. नेक्स्ट आ जाता है फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ जिब्रेलिन्स.
फर्स्ट है इट कॉजेस इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स. अगर हम जिब्रेलिन से स्प्रे ना करें तो वह छोटे ही रहेंगे प्लांट्स, बट हमने क्या किया उसको बड़ा करना है तो हमने क्या किया जिब्रेलिन से स्प्रे कर दिया प्लांट को, तो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स भी बड़े हो जाएंगे. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, इसी से ही रिलेटेड है, causes elongation of sugarcane stems and thus increases juice from sugarcane. क्योंकि stem से ही मिलता है तो इसलिए जो है वो juice जो है वो ज्यादा मिलता है. causes increase in length of grape stalks so as to prevent overcrowding. अगर ग्रेप्स बहुत ज्यादा एक दूसरे छोटी छोटी उनकी टहनियां होगी तो एकदम चिपटे रहेंगे और फिर क्या होगा एक दूसरे के प्रेशर से वो जल्दी गल जाएंगे सड़ जाएंगे. ठीक है, इसलिए उनकी स्टॉक्स बड़ी बड़ी रहती है ताकि वो थोड़ा थोड़ा सा तो डिस्टेंस बनाती रहती. राइट, नेक्स्ट आ जाता है कॉजेस इलोंगेशन ऑफ एप्पल फ्रूट and thus improves its shape. एप्पल बिल्कुल ही गोल सा गड़बड़ सा लगता है तो शेप जो है इंप्रूव होती है तो किसके कारण, दैट इज जिब्रेलिन्स के कारण. नेक्स्ट आ जाता है इन ब्रूइंग इंडस्ट्री ब्रूइंग में जहां पे एल्कोहल बन रहा है यू कैन से बियर बन रही है एंड ऑल दैट इन ब्रूइंग इंडस्ट्री द यू कैन से द अमाइलेसिस द हम जौ को क्या बोल देते हैं बार्ले सीड्स है ना बार्ले सीड्स are treated with gibberellins. Gibberellins क्या करता है? Gibberellins activate barley grains के लिए activate enzyme amylase in greens. It hydrolyze amylase क्या करते हैं hydrolyze starch into glucose. Then yeast is added in mixture. इस प्रोसेस को glucose starch को this is called as malting. Then yeast is added in mixture which uses glucose and ferments it
thus forming ethanol. तो जिब्रलिन्स का क्या फंक्शन है? दे यू नो दे स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस. ठीक है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, जिब्रलिन्स स्पीड अप माल्टिंग इन ब्रूइंग इंडस्ट्री. माल्टिंग इज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, राइट. ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्प्रेइंग ऑफ जिब्रलिन्स ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स. कॉनिफर्स जैसे पाइनस वगैरह. Hastens their maturation. नहीं तो conifers बेटा 3 साल 4 साल बहुत धीरे धीरे जो है वो मच्योर होते हैं. ठीक है, तो अगर हम जिब्रलिन स्प्रे कर दें तो वो जल्दी से मच्योर हो जाएंगे, leading to अर्ली सीड फॉर्मेशन. है तो ये बहुत गलत है, बट ये हम करते हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है बेटा बोल्टिंग. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रोजेटेड प्लांट्स कौन से हैं. Such as cabbage. Rosetted plants होते हैं जिसमें छोटी सी ये नोड है, छोटी इंटरनोड है, फिर नोड है, इंटरनोड छोटी, जिससे जब लीव्स अराइज हो तो ऐसे लगे कि सभी लीव्स जो है एक जगह से आ रही है. Rosetted plants means which have short internodes, उनको कहते हैं that is rosetted plants. Cabbage, beetroot. Bolting क्या है? Elongation of internodes. Just before flowering is initiated by जिब्रलिन्स. ये इंटरनल जिब्रलिन्स है, हमें नहीं स्प्रे करना पड़ता. तो ये जब फ्लॉरिंग होनी हो तो ये इंटरनोड्स को बड़ा बड़ा करते, राइट. दिस इज बोल्टिंग. देन ये अभी आगे आएगा, जिब्रलिन्स रिप्लेस लॉन्ग डे फोटो पीरियड्स इन LDP लॉन्ग डे प्लांट्स, सो दैट दे कैन फ्लावर even in short day conditions. ठीक है, long day photo periods means वो गर्मियों में mainly, उनको बहुत बड़े बड़े दिन चाहिए होते हैं to induce flowering. But अगर हम जिब्रलिन spray कर दें तो वो सर्दियों में भी flower कर सकते हैं जब day length छोटी हो. Is it okay? So these are some of the major functions of the जिब्रलिन्स. है तो और भी बहुत सारे, but ये जो है major functions है जिब्रलिन्स. Is it okay? ठीक है समरीत, ये समझ में आ गया आपको सारा? ठीक है.
So these are the major functions.